हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं थिम्पू एक्सप्लोर करने वाला हूँ सिटी को। देखेंगे थिम्पू सिटी कैसी है। ये सामने क्लॉक टावर है और नीचे लोग खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्लीन है जगह। ये कोई मॉनेस्ट्री है छोटी सी। ये ट्रैफिक पुलिस वाले हाथ से इशारा कर रहे हैं। थिम्पू में कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है और दुनिया की दूसरी ऐसी कैपिटल है जहाँ पे कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। बहुत ज़्यादा यूनिक जगह है इस हिसाब से। और पहली जगह सोचो कौन सी हो सकती है जहाँ पे ट्रैफिक लाइट ना हो। चलो मैं बताता हूँ, प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की कैपिटल, केवल वहाँ पर है ऐसा। और उसके बाद थिम्पू में ऐसा है। Hello. What's your name? Tindina Michel Pa. What's your name? Vitika Pradhan. Okay. Hello. मैं जापान कभी गया नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा फील आ रहा है कि जैसे जापान ऐसे ही कुछ दिखता होगा। एकदम ब्यूटीफुल माउंटेन्स है और आर्किटेक्चर भी ऐसा जापानीज टाइप का लग रहा है। मैंने टीवी वगैरह पे जैसे देखा है ना यार, ये जैसे देखो बिल्डिंग्स ही हैं। हालांकि हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन यार ऐसे ही लग रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा यूनिक आर्किटेक्चर है यार, ऐसा दुनिया में कहाँ देखने को मिलेगा। अमेजिंग जगह है यार, अमेजिंग। अलग ही फील है, बिल्कुल ही भीड़ नहीं है। देखो यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सिटी के एंड में पहुँच गया हूँ, कोई भीड़ नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे अगर गाड़ियाँ हटा दूँ तो बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया से मैच खा रही है। यहाँ पे लुक वाइज कंट्री की फील बिल्कुल अलग है इंडिया से। बहुत तेज़ हवा चल रही है यार। तो बीच में कुछ ट्रेडिशनल सा बना हुआ है। यार जो सबसे अमेजिंग चीज़ लग रही है ना यहाँ पे, बिल्डिंग्स लग रही है, मतलब यार गजब है यार। मतलब अलग ही फील है यार, बिल्डिंग्स की अलग ही फील है। कितनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स है यार ये। मतलब ऐसा आर्किटेक्चर मैंने सही में नहीं देखा आज तक यार। और ये यहाँ पे बस स्टॉप बना हुआ है, बस स्टॉप का साइन। यहाँ पे लोगों के घर बने हुए हैं इधर लेफ्ट हैंड पे, नॉर्मल भूटनीज लोगों के घर हैं। फिर रेस्टोरेंट बार। हेलो सर, वुजु जम्पोला। यहाँ पे भूटान में हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग वगैरह नॉर्मली ग्रीट करने के लिए वुजु जम्पोलो। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे मॉनेस्ट्री। आज की है मॉनेस्ट्री के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कैसी है मॉनेस्ट्री। एक गेट है और गेट पे ना देखो ऊपर ना एक ये जो फोटो लगी हुई है, ये यहाँ के किंग और क्वीन की फ़ोटो है, यहाँ भूटान के किंग और क्वीन की। कितनी अलग फील है यार यहाँ पे। बिल्कुल खाली रोड्स हैं, भीड़ भीड़ बिल्कुल कुछ नहीं, कोई टूरिस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, अकेले घूमते हुए फील ही अलग आ रही है यार चलने में। यहाँ पे देख लो ज़रा फुटपाथ देख लो, एकदम बिल्कुल क्लीन फुटपाथ्स। यहाँ पे पार्क्स बने हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं और हवा तेज़ चल रही है, धूप निकली हुई है लेकिन कोई ख़ास असर नहीं है यार धूप का भी। ऑसम प्लेस है यार ये, बिल्कुल अमेजिंग प्लेस है। इंडियंस को भूटान में आने के लिए ना कोई पासपोर्ट की ज़रूरत है, ना कोई वीज़ा की ज़रूरत है, कुछ नहीं। सिंपल एक परमिट लेना होता है और उसके बावजूद हम लोग यार बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जहाँ पे हमें ईज़िली वीज़ा मिलता नहीं है, जैसे यूरोप हो गया, यूएस हो गया, वहाँ घूमने के लिए भागते रहते हैं। और जो घूमने वाली कंट्री जो अपने घर के आसपास ही है यार, मतलब भूटान है, मतलब भूटान नेपाल, वहाँ हम आते नहीं हैं। नेपाल तो खैर मैं अभी एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन भूटान के बारे में तो मैं अभी तक की जो फर्स्ट मेरी इंप्रेशंस है ना वो बहुत ही अमेजिंग है यार। बहुत अमेजिंग कंट्री है, मतलब आप देखो ना यार, मतलब क्या जगह है, देख के लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कहीं जापान वेपैन में हो ना हम। सर जापान वाली एकदम फील आ रही है।
बहुत गजब यार। और क्या मेंटेन्ड है यार सिटी, मतलब क्या मेंटेन कर रखी है सिटी बिल्कुल अमेजिंग तरीके से। सामने गोल्फ चल रहे हैं, एक बार अंदर जाके पूछता हूँ उनसे कि खेलने देते हैं कि नहीं। मैंने यार मैंने कभी गोल्फ ट्राई नहीं किया, बहुत अमेजिंग होगा अगर यार ये लोग अलाउ कर देंगे। अब लग रहा है जा रहे हैं यार कहीं भूटान के बारे में। यार एक से एक अमेजिंग चीज़ बताने को है। सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ जो है भूटान की, मतलब जो कि इसको पूरी दुनिया से अलग बनाती है, वो है ये जो कंट्री है ना यार, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करती ना उतना ज़्यादा कंज्यूम करती है। मतलब मैं समझाता हूँ, भूटान के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ की जो 60% लैंड है हमेशा फॉरेस्ट रहना चाहिए। मतलब 60% लैंड हमेशा फॉरेस्ट रहेगा और केवल 40% ही लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली यहाँ पे है हिसाब। एक और चीज़ है यार जो भूटान को ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में जो है ना बहुत ज़्यादा वो रखती है मिस्ट्री टाइप की, अपना मिस्टीरियस इसकी एक इमेज है बाहर। अगर आप लोगों से पूछोगे ना, जैसे मैं घूमने जाता हूँ कहीं भी या मेरे को कोई मेरे फॉरेनर फ्रेंड्स बनते हैं या दोस्त लोग मिलते हैं, तो उनसे जब मैं बात करता हूँ तो उनसे पूछो ना कि कौन सी कंट्री तुम घूमना चाहते हो, तो सबकी बकेट लिस्ट में ना यार भूटान होता है, सबकी बकेट लिस्ट में ज़्यादातर मैंने देखा है। और लेकिन दिक्कत क्या आती है कि उन लोगों को भूटान में घूमने के लिए पर डे का $250 देना पड़ता है। $250 सोचो हर एक दिन का यहाँ पे देना पड़ता है उन लोगों को। और इस चक्कर में बहुत सारे जो बैकपैकर्स हैं, जो कि ट्रैवलर्स हैं या घूमने वाले जिनका मन भी होता है ना यार, वो यहाँ पे घूमने आ नहीं पाते केवल क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा है यहाँ पे उनके लिए। जाते हैं पहले अपने घर की आसपास की कंट्रीज एक्सप्लोर करके देखो यार, मज़ा आ जाएगा। ये पहली बार है, मैं भी देखो श्रीलंका गया था, श्रीलंका भी बहुत अमेजिंग था और ये भूटान की तो फील ही अलग है यार। और यहाँ पता है 1999 से पहले यहाँ पे टीवी इंटरनेट पूरी तरीके से बैन था। सोचो बिना टीवी के लोगों को पता ही नहीं था 99 तक टीवी में क्या आता है कैसे दिखता है। तो भूटान की हमेशा से जो स्ट्रेटजी रही है ना यार, वो ये रही है कि अपना जो कल्चर है ना उसको बचा के रखना है। और ये जो $250 वाला जो ये रूल है जो फॉरनर्स पे उन्होंने लगा रखा है, वो भी इसीलिए है क्योंकि वो चाहते नहीं कि बहुत ज़्यादा फालतू के लोग यहाँ पे आए और उनके कल्चर को थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं डिस्टर्ब करें। वो अपने कल्चर को मेंटेन भी करना चाहते हैं एंड एट द सेम टाइम वो थोड़ी सी इकनॉमी को भी ग्रो करना चाहते हैं, कि इनके पास लैंड आर्मी है, इनके पास एयरफोर्स और नेवी नहीं है, और वो जो है इनको एयरफोर्स और नेवी वो प्रोटेक्शन इनको इंडिया देता है, इसीलिए इंडियंस को इन्होंने ये $250 वाले रूल से बचा के रखा हुआ है। यहाँ CCTV लगा हुआ है। अब यहाँ से जाऊँगा मैं राइट, इधर